नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार मैं फिर से आया हूँ आपके लिए यूनियन बाइक सीरो में। इनका शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही शॉर्ट रहने वाला है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि स्प्लेंडर प्लस में जो आपको एक्सटेक एडिशन में जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, इसे आप किस तरह अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक एडिशन के ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर पर जाना है, और वहाँ पे जाके आपको हीरो राइड गाइड लिखना है और इस ऐप को दोस्तों आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब आपको ओपन करना है। इसके बाद आपको यूजिंग विथ ऐप अलाउ करना है, फिर आप अलाउ कीजिए और आप सभी को अलाउ कर दीजिए। उसके बाद आपको अलाउ ऑल द टाइम्स के लिए इसको ऊपर में टिक करके इसे बैक चल जाइए। उसके बाद गेट स्टार्ट करिए यहाँ से ऐप को, और यहाँ पे आके आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आपको बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं, जिसमें हीरो कंपनी का एक्सटेक एडिशन सभी में दिया गया है। आपको स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक एडिशन को क्लिक करना है और फिर एग्री करना है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको ब्लूटूथ में नज़र आ रहा है कि स्प्लेंडर प्लस का आपको एक लोगो सा नज़र आ रहा है यहाँ पे साइड में, उसे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप अपने बाइक का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं या फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक लिखेंगे। कनेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अब उसके बाद आपको दोस्तों नीचे में आना है और हीरो राइड गैप को फिर से ओपन करना है और यहाँ पे ऑलवेज डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर देना है और अलाउ कर देना है। इसके बाद आपका ऐप कनेक्ट हो चुका है। अभी आपने दोस्तों देखा था कि हमने एंड्रॉयड फ़ोन को डिजिटल डिस्प्ले के साथ कनेक्ट कर दिया ब्लूटूथ के साथ, और अभी हम दूसरे फ़ोन से कॉल करेंगे। और आप जैसा कि देख रहे हैं, फ़ोन पे आपको दिखा रहा है कि कॉल आ रहा है और आपके डिस्प्ले में भी शो कर रहा है। इसमें कॉलर आईडी भी है जिसमें आपको पता चल पाएगा, देखिए प्रिंस शर्मा कॉल कर रहे हैं, और डिस्प्ले में ठीक आपको शो भी कर रहा है कि ब्लिंक कर रहा है कि आपका कॉल आ रहा है। और इसमें एक चीज़ और अच्छा है कि इस डिस्प्ले में आपको आपके फ़ोन का बैटरी लेवल और ब्लूटूथ जो कनेक्ट किया गया वो भी नज़र आता है। और अगर हम इसमें फ़ोन को कट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको एक मैसेज पॉपअप करेगा कि आई एम राइडिंग ए बाइक, तो आपको नज़र आ रहा है ये भी एक मैसेज चले जाता है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन बाइक को राइड करते हुए आपका कोई भी कॉल आता है तो आप उसे अटेंड कर पाते हैं और देख पाते हैं। और अब हम दोस्तों मैसेज करके देखते हैं कि आपको इसमें मैसेज किस तरह शो करता है। तो अभी शॉर्ट में हमने हेलो लिखा है और आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फ़ोन पे तो मैसेज आ गया है और डिस्प्ले के ठीक ऊपर में आपको एक आइकन शो कर रहा है कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे कोई मैसेज आया है। तो इस तरह आपको पता चल पाता है आपके डिजिटल डिस्प्ले पे कि आपको मैसेज भी मिला है आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे, तो आप कभी भी उसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देख के दोस्तों आपको जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपके पास स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक एडिशन है या फिर आप लेने की सोच रहे हैं, तो इस बाइक में जो आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है उसे आप किस तरह अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था, वीडियो काफ़ी शॉर्ट था, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर करें, और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर आप इस बाइक का टेस्ट राइड या इसे परचेज करना चाहते हैं एक अच्छे ऑफर में, तो आप यूनियन बाइक सीरो में आ सकते हैं। इनका शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और वीडियो के अंत में एक बार फिर से बोलूंगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।